चलो रजिया। भाई साहब सब लोग आ गए, बारात आ गई, लेकिन रोहन अभी तक नहीं आया। भाभी एयरपोर्ट से खन्ना का फोन आया था, फ्लाइट आधे घंटे लेट है, बस मैं समझता हूँ आते ही होंगे। रोहन माँ खुश रहे, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ माँ। खाक ठीक है, शक्ल तो देख अपनी, कुछ खाता पीता है कि नहीं? ये है नया। नमस्ते जी। हो क्या हुआ बच्चा? किया आप सर चित्र रहा हूँ मैं। इसे भी देखो सर। अबे क्या हुआ सर? ए घंटो ना बच्चा। लेकिन नंबर कौन चल ए क्या हो रहा है इधर? क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है इधर? अरे कौन है तुम लोग? उसे जाके मिलो। शादी में लोग दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें खींचते हैं, मगर तुम लोग नंबर के पीछे पड़े हो। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? कैसे हो मुन्ना? ए, कौन है बे तू? सीआईडी ऑफिसर सक्सेना। ये ले कैमरा की कीमत, बाहर फेंक दो इसे। हेलो कौन? रजिया। हाँ मैं मुन्ना हूँ। शादी में तुम्हें देखकर पहली बार ऐसे लगा कि रिवॉल्वर से ज्यादा खतरनाक चीज अगर कोई है तो वो है तुम्हारे आंखें। किसका फोन है? वो मुझसे शादी में मिली थी, उसे मैं बहुत पसंद आई, मेरा मतलब कि मेरे कपड़े। रजिया तुम खामोश क्यों हो गई? मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। जुहू के टेंथ रोड पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बताओ कब आओगी? मैं अभी प्रोग्राम के रिहर्सल के लिए निकल ही रही हूं। अच्छा खुदा हाफिज। मुझे डर था कि पता नहीं तुम यहां तक पहुंच पाओगे या नहीं। लोग तो कहते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगता। अब डरने लगा हूं। क्यों? शायद इसलिए कि प्यार जो करने लगा हूं। प्यार किया तो फिर डरना क्या? ठीक है मैं हार गया, बैठो। रजिया मैंने तुझे बाहर पांव रखने की इजाजत इसलिए नहीं दी थी कि तू चलकर बारूद की सुरंग पर खड़ी हो जाए। नहीं अमीजा, तुम्हें खुदा का वास्ता देती हूं, तुम रजिया को भूल जाओ। खुदा कभी मोहब्बत के खिलाफ नहीं होता। तुम क्या चाहते हो, खून की नदियां बह जाए? समुद्र के किनारे रहने वाले नदियों से नहीं डरते और ना किचन में पलने वाले खून के छींटों से भागते हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता। मैं तो रजिया से शादी। खामोश। रजिया अपने चेहरे के रंग की तरह पाक और बेदाग है, और तुम लोफर गुंडे कातिल। खबरदार जो रजिया के करीब आने की कोशिश की तो। करीब तो हम आ चुके हैं। अगर यह सच है तो मिटाकर दूर भी कर दिए जाओगे। फिर तो यह बेवकूफी कहलाई जाएगी।
इसलिए कि गोरे रंग पे अगर काला तिल पड़ भी जाए तो उसे खुरच कर नहीं मिटाया जाता, बल्कि लोग उसका और एहसान मानते हैं, इसलिए कि वो बुरी नजर से बचाता भी है। तुम बचाओगे से? तुम? मैं असलम पठान की बीवी हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम लोगों की जिंदगी को। शेरों की तरह दहाड़ते हो मगर चूहों की तरह डर के रहते हो, भागते रहते हो, बच के रहते हो। पता नहीं तुम लोगों में से कब किसकी लाश चौराहे पर मिले। इसीलिए असलम पठान जब भी घर से बाहर निकलता है, मैं उसे ऐसी नजरों से देखती हूँ जैसे आखिरी बार देख रही हूँ। मैं नहीं चाहती ये डर से कांपती हुई जिंदगी मेरे बेटी को भी मिले। चलो वापस लौट जाओ। तुम समझते क्यों नहीं, अगर तुम्हारी जान को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी मुन्ना। मैं भी तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। अगर वाकई मुझे खुश देखना चाहते हो तो वादा करो कि तुम ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाओगे जिससे हमारी मोहब्बत बदनाम हो जाए। ठीक है, लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा, तुम मुझसे मिलने आओगी? ये नामुमकिन है। अम्मी और अब्बा ने मुझे अपने ही घर में नजरबंद कर रखा है। तुमसे मिलना तो दूर रहा, मैं फोन पर बात भी नहीं कर सकती। तो फिर मैं क्या करूं? दुआ करो। कल के दिन मैं अपनी जिंदगी का एक अहम प्रोग्राम पेश कर रही हूं, जो फन की दुनिया में तहलका मचा देगा। तब तो मैं तुम्हें मुबारकबाद देने जरूर आऊंगा। नहीं मुन्ना, तुम बाहर नहीं आओगे। अब तो मुलाकात कल ही होगी। नहीं मुन्ना। खुदा हाफिज। मुन्ना, मुन्ना सुनो तो। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। भलिया, तुम ही वो नाफरमान औलाद हो जिसने मां बाप की इज्जत पर काला दाग लगा दिया है। रजिया, कल का होने वाला प्रोग्राम तेरी जिंदगी का आखिरी प्रोग्राम है। अगर उसके बाद तूने घर से कदम बाहर निकाला तो हम ही ने तुझे पैदा किया है और हम ही तुझे खून के कफन में लपेट कर जिंदा दफन कर देंगे। साहिबान, आज मेरी बेटी की महफिल है, इसलिए मैंने अपने दोस्तों और जानने वालों को इस महफिल में बुलाया है। मगर आप सबको सुनकर यह ताज्जुब होगा कि इस महफिल में मेरे दुश्मन के एक बहुत ही मशहूर बेटे मुन्ना तशरीफ लाए हुए हैं। जो बिन बुलाए किसी की भी महफिल में जाकर दूसरों की मां बहन और बेटियों पर बुरी नजर डालता है। अब आप उसे क्या कहेंगे, बहादुर या बेशर्म, खुददार या कमीना, खानदानी या डपोरी? रजिया, मुन्ना, तुझे तो तेरे मां बाप का पता नहीं है, तुझे तो भाई ने पाला है, लेकिन जब भी किसी मर्द को कसम दी जाती है तो मां के दूध की दी जाती है। तुझे तेरी मां के दूध की कसम मुन्ना, तू रजिया को लेने आया है ना? हाँ, अगर तेरे कलेजे में दम है तो थाम ले इसका हाथ। बहुत मर्द बनता है ना तो दिखा दे आज अपनी मर्दानगी के जौहर।
रुक क्यों गया? क्या मां के दूध की तासीर गटर के पानी में बह गई? सब चुपचाप बैठे रहो, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। रोक क्यों गया रे मुन्ना? उठाई ले हमारी बहू को। अरे उठाई ले, असलम वाले तुझे तेरी मां के दूध के कसम दिए ना, अब देखता क्या है। अरे बात पे तो आदमी मौत की कलाई भी थाम लेता है। बल आगे और थाम ले हाथ हमारी बहू का, जो होगा देखा जाएगा। आ जाओ रजिया, तुम मेरा प्यार हो। रजिया, तुम हमारे खानदान की इज्जत हो, तुम हमारी औलाद हो। खबरदार जो आगे बढ़ी, तुम्हें मेरे खून की कसम।